हेलो माय समरीज एंड वेलकम गाइस। एंड पिछली बार हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की थी। हमने पीकाचू लिया था। हम विरणम सिटी से, विरणम फॉरेस्ट से होते हुए पीटर सिटी आए थे गाइस। एंड इस एपिसोड में ब्रॉक हो रहा है, पर इस जगह में मुझे टीएम मिला एक। वो कौन सा था यार? फॉल्स स्वैप्स मुझे मिला। मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। वो तुम वो ब्रॉक से बैटल में देख लोगे। एंड मेरा कोई पोकेमॉन सीख नहीं सकता यार। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये हम जितने बार चाहे उतने बार यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ वन टाइम का है, पता नहीं। बट अभी हमें जाना है ब्लॉक कराने। एंड ये क्या है कि पैट इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। अरे मतलब कि अभी काम चालू है लग रहा है। ये ब्लॉक इज रॉक टाइप पोकेमॉन। इट्स गुड टू हैव अ फाइटिंग टाइप पोकेमॉन अगेंस्ट देम। ये मैन सही बोला बुढ़े। बट हमारे पास अभी फाइटिंग टाइप हमारे पास भी है। और तुम सोचोगे क्या, अरे भाई ये प्रवचन बहुत बुरा वाला है। ब्लॉक यूज रॉक टाइप पोकेमॉन, दे आर वीक एंड ब्ला ब्ला। भाई ये फालतू का काम नहीं है तुम्हें यार। बट कोई नहीं, और इससे मैंने मुकाबला कर लेता हूँ गाइस। या गाइस मैंने मुकाबला कर लिया एंड तुम्हें पता नहीं चला, मैंने कट कर दिया। और जियो डूड यहाँ पे उसका एंड ब्रॉक। पहले गेम सेव कर लेते हैं यार, काफ़ी दिक्कत होगी नहीं तो अपने को। कि भाई ये आइसक्रीम मतलब ब्रॉक पीट डालता है अपने को। और ओ सो यू आर, आई एम ब्रॉक, मैं हूँ प्रियो सिटी जिम लीडर। माई रॉक हार्ट विल ओके है, बस अपना डायलॉग मारना है और कुछ नहीं। ओके सो हमें बस इसे हराना है गाइस। ओए और अपने को यहाँ पर चूज़ करना है पहले दूसरा कौन। तो पहला माइटा पोर्ट रखा मैंने, उसे बटरफ्री बनाना है। मैंने ट्रेनिंग करने की कोशिश की, 9 में कर किया। फिर भाई इतना मुश्किल है उसे ट्रेनिंग देना। और चलो स्विच कर लेते हैं पीकाचू में यार, बिकॉज माइटा पोर्ट भाई क्या करेगा। तो अचार डालू उसको मैं। बट ओके यार ठंड। देखो गाइस मुझे शायद ये 9 में या 10 में डबल किक सीखा। एंड ले ले गया, ले ले गया ना। अरे हरा दिया मैंने जियोडू गाइस। ओके तो अपने को गाइस में स्विच कर लिया इससे, दो कुछ सेकंड्स में स्विच कर लिया मेटापॉड से। एंड थंडर बोल्ट। ओ यार इसमें ग्राउंड टाइप है यार ये। आइसक्रीम मतलब रॉक टाइप था, पता ही नहीं चल रहा था। ले डबल किक अप। और यार काफ़ी दिक्कत हो गया। पोशन वोशन यूज़ करना पड़ेगा। बाइंड कर रहा है यार इतना बड़ा पोकेमॉन, पिद्दी से पिकाचू को बाइंड कर रहा भाई। तो वैसे एकदम घुस के मर जाएगा। तो देखें कौन सा लॉजिक बनता है इनका। डैमेज आ रहा एकदम मर जाए। सांप ही यार देखो शिकार को दबा लेता है तो मर जाता है वो। पर इतना जाड़िया बड़ा सा पकौन कुछ कर रहा था, कुछ हो नहीं रहा भाई। ये तो क्या लॉजिक है पकौन वाले का यार। बट कोई नहीं, बस एक और गया। ले ले पी ब्रोक ले, तू बड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है ब्रो। और मेरा बॉडी वॉल हो रहा है एंड काफ़ी देर तक घूमता रहता है। पीकू जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ओहो बटर फ्री, फ्री में मिल गया मुझे बटर फ्री। ओके ना गाइस हमें करना ये है। ओ तो तुम बोल्ड बच ले लो। ओके ठीक है। एंड हमें टीम दे रहा है रॉक स्प्लैश। क्या बात है यार, मुझे लगता है कोई पकौन सीख सकता है। एंड भाई ब्रॉक ये बताया कि अब हमें इस घर में जाना है गाइस, ब्रॉक का घर है। बिकॉज यहाँ पे से कोई भाई वाई कुछ है, वो हमें कुछ टीम देने वाला है। ये रहा वो। ओके सैंडस्टॉर्म दिया और उसका नाम फॉरेस्ट है यार। फॉरेस्ट भाई मैंने कभी सुना नहीं, बट कोई बात नहीं। मुझे लगता है वो कुकिंग कर रहा है। और नशे पकौन हील कर दो यार। ओके ना पकौन हील कर गए। एंड नाओ 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 जस्ट गो टू। ओके हमें मार्ट में पहले जाके रिपेल खरीद लेना है, मतलब कि पोषण, क्योंकि मार्ट में काफ़ी पकवान आते हैं यार एंड हमें काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ओके रिपेल भी है, काफ़ी महंगाई का जमाना है गाइस। पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया। जीएसटी बहुत है। और ए भाई साहब जीएसटी काट के दे रहे हो पोषण। शायद काट ही के दे रहा हो जीएसटी टैक्स। ओके यार चलो मजाक छोड़ो, अब लेट्स गो। एंड गाइस ये एक बग कैचर है। एंड भाई मैं बैटल तुम लोग क्या दिखाऊँ, ऐसा लूल फूल का लूल सा बैटल मैं तुम्हें क्या दिखाऊँ यार। मैंने बैटल ही देख लो यार, तुम बैटल देखो ही मत। ले ओके और गाइस मैंने उसे हराया। इसके बाद 3 दिन कैटर पाई थी एंड ये कंफ्यूजन सीख रहा। हार्डन की जगह सिखा दिया मैंने, बिकॉज हार्डन यार बकवास है यार। ओके और बिको लड़की है। ओके हमने इसे भी हरा दिया गाइस। हमें मार्च में जाकर पोकेमॉन ही कराना है। ओके 11 हम आ चुके हैं। और मैं कुछ सोच रहा था इससे कुछ बोला नहीं। और लेट्स गो एंड ओके और एक और ट्रेनर। ओके भाई यार कितना ट्रेनर है यार। ले हरा दिया गाइस।
और एक और है ऊपर से जहाँ बच जाऊंगा, पर मुझे लगता है मैं बच पाऊंगा बिकॉज यार मुझे लगा ही था अभी एक और ट्रेनर होगी, ले ये भी गई गई हाँ गई। वैसे जेंडर पे देखा नहीं उसका, हुक्म का मेल है या फीमेल, बट चलो हार गए। एंड मैं इसके साथ थोड़ा घूमने जा रहा हूँ गाइस, यानी ओके हरा दिया मैंने, मुझे खुद नहीं पता चला। और ले ठंडा बोल्ट, ओके कितने ट्रेनर पड़े यार, भरे अरे भरे पड़े हैं यहाँ पे। मैंने बग कैचर को थोड़े रैर बग पकड़ दे तू तो बैठे ना करे, बट वो कर लेते तब भी। एंड ये इलेक्ट्रो बॉल भी सीख रहा है भाई, मुझे तो एकदम गर्व हो रहा है मेरे पिकाचू पे। बट हमारी स्पीड जितनी ज़्यादा होगा उतना डैमेज तो प्लेन ऐसी जगह, क्योंकि भाई मैंने एक बार जब ट्रेनिंग करा था तब मैंने ट्राई किया भाई, फेल हो रहा था मार, पता नहीं हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, शायद कुछ हो कि पता नहीं कि इसलिए नहीं हो रहा था। और यहाँ हम सबसे बचना है, बच बच के निकलना। ओके और बच गए एंड ओके वो पत्थर में लगता कुछ होगा रिपेल, मुझे लगा ही था। और यार माउंट मून काफी कौन आएंगे, बट ओके मैं रिपेल ऊपर नहीं कर दूंगा, कड़की है थोड़ा, रिपेल दे रहा है अच्छी बात है। ओके तो ओके। और यहाँ पे काफी ट्रेन है, बैटल क्या दिखाऊँ यार तुम्हें, सर लूल सा बैटल देख के क्या करोगे, नगेट मिला। ओके अब भाई यार पोकेमोन क्या है यार, ओ क्लिफेबल भाई यार क्या बोलते हैं पोकेमोन, ऐश को तो क्लिफेरी बस दिखाए थे यार। एंड इस सीढ़ी में कुछ आइटम पक्का होगा यार। ओके यार रिवाइव होए और एडिटर भी, और ये बूढ़ा पता नहीं क्यों खड़ा था वहाँ पे, तक कुछ काम वाम होगा। और गाइस मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे क्या है थीफ, क्या बात है, ये मेरा कोई पोकेमोन सीख सकता है मेरे ख्याल से, एंड इससे बचना पड़ेगा। ओके 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 गाइस ऐसा ही मेरा लेवल अप हो चुका है, ये पॉइजन पाउडर सीख रहा है तो स्प्रिंग शॉट किएगा। और वो स्टंस फोर समझ लगता है, स्टंस फोर से ज़्यादा अच्छा पॉइजन पाउडर है, बिकॉज पॉइजन पाउडर डैमेज करता रहता है, और स्टंस फोर का भरोसा नहीं कोई असर होगा कि नहीं, उसने नहीं सिखाने वाला। और ओके स्लिप पाउडर टैकल की जगह सिखा देता हूँ भाई, पोकेमोन सो जाए तो ज़्यादा अच्छा, बट एश का पोकेमोन सो जाए तो वो हार गया था यार, क्या है पोकेमोन वालों को बुद्धि नहीं है। ओके मुझे अगर वो रख लेते ना तो ज़्यादा आसान होता उनको, यानी कि उनका ज़्यादा होता कुछ, बट कोई नहीं। एंड ओके हमें लगता है इधर ही से जाना है, मैंने बाकी का एक्सप्लोर किया नहीं, और मुझे लगा मुकाबला करेगा लेकिन कुछ। ओके बस ये टीएम दे रहा है बल्क अप, ये शायद रॉक्सन नहीं देती है मॉडर्न में, इससे अटैक स्पेशल अटैक दोनों बढ़ता है, या सिर्फ अटैक डिफेंस पता नहीं ना। ओके वो लड़की लड़ाई नहीं की पता नहीं क्यों, और पोकेमोन काफ़ी आ रहे हैं गाइस, इससे मुकाबला करना पड़ा। ओके ओके कंफ्यूजन, इसके पास एक ग्रामर था, एक फॉल टॉप था, और एक और ग्रामर निकाला उसने, पता नहीं कितना भर के रखा था कीचड़। बट मुझे ये जानता कैसे लगता है, ये जो ट्रेनर था जो इसका एक कौन सा कॉनवे कॉनवे कुछ ऐसा ही कुछ था, वो डक्स नॉइल वाला वो भाई यार, हम इतना देर से भटक रहे हैं, कितने पोकेमोन आए, मेरे मेरी बैटरी भी 5% हुई है, रास्ता यहाँ नहीं है यार। ओ माय गॉड यार, ओ ये रहा यार, ओ इतना पिद्दी सा वहाँ पे क्यों रखे यार के यार। एंड नाउ गाइस लगता है हम आ चुके हैं, और ये है द पैट इज, ओ भाई यार बार बार तुम लोग को और कोई बहाना नहीं मिलता यार, सब में बस पैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, बस सही आता तुम्हें। तो गाइस अगले एपिसोड में हम अपने चरण यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हराएंगे द जिम लीडर मिस्टी को। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मारना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Yeah.